वेलकम टू कृषि एग्जाम। कृषि एग्जाम में आज से स्टार्ट कर रहा हूँ खरीफ फील्ड क्रॉप वर्क मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर जी के क्वेश्चन, और जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक आवश्यक देखें। इसी के साथ स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन राइस क्रॉप। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन राइस क्रॉप, वेल्ट्राइजेशन, डिनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर है डिनाइट्रिफिकेशन। दोस्तों आपको बता दें, नाइट्रोजन लॉस फ्रॉम राइस फील्ड, फाउंडेशन इज लॉस गैस, तो NO2 बाई बायोलॉजिकल रिएक्शन है, तो डिनाइट्रिफिकेशन रिस्पॉन्सिबल नाइट्रोजन राइस क्रॉप में है डिनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। इन केस ऑफ जिंक डिफिशेंसी इन पैडी ROW, मच जिंक सूटेबल शुड बी अप्लाइड इन 1 हेक्टेयर ऑफ सॉइल। तो इन केस ऑफ जिंक डिफिशेंसी इन पैडी रो, मच जिंक सल्फेट शुड बी अप्लाइड इन 1 हेक्टेयर ऑफ सॉइल। तो 15 kg, 20 kg, 35 kg, 30 kg, 25 kg। क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर है 25 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। ए राइस डिसीज मोस्टली ऑक्साइड इन कोडली वेदर एंड रिसेल H2S गैस इज। तो खैरिया डिसीज, ब्राउन रस्ट, लीफ स्पॉट, डंपिंग ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए राइस डिसीज मोस्टली ऑक्साइड इन कोडली वेदर इन राइस H2SO गैस इज, तो खैरिया डिसीज। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जलमग्न इज ए वेराइटी, तो जलमग्न एक वेराइटी है राइस की, व्हीट की, नॉन ऑफ दिस सुगर केन और बार्ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलमग्न एक वेराइटी है राइस की। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है 1, राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच स्टेट हैविंग हाइजेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इन इंडिया। तो इंडिया में सर्वाधिक कौन से स्टेट में राइस का प्रोडक्शन होता है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, UP। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है 3, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में राइस का सर्वाधिक हाइजेस्ट कल्टिवेशन होता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इन अप्रेंटिड टाइम ऑफ द रेसिंग सीडिंग थ्रू डफ मेथड्स इन नर्सरी। तो नर्सरी का जो टाइम है, अप्रेंटिड टाइम ऑफ रेसिंग सीडिंग थ्रू डिफ मेथड्स इन नर्सरी, मार्च अप्रैल, जून, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, दिसंबर जनवरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है 2, जुलाई अगस्त। डिपोग मेथड इन राइस, दिस मेथड नर्सरी वीन, नर्सरी के लिए जो मेथड्स है डिपोग मेथड्स, वो नर्सरी का जो टाइम है, रिस्पॉन्सिंग टाइम है, वो जून, जुलाई से अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट विल बी द होलिंग परसेंटेज इन राइस। तो होलिंग परसेंटेज इन राइस 35%, 75%, 55%, 45%, 65%। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड। तो पैडी फील्ड से कौन सी गैस निकलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैथेन, हाइड्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड, मैथेन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है 3, मैथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गंधीवक इंसेक्ट अटैक्ड ऑन राइस क्रॉप एट। तो गंधीवक जो कीट लगता है वो कौन सी स्टेज में लगता है? CRI स्टेज, प्राइमरी स्टेज ऑफ फ्लावरिंग, आफ्टर फ्लावरिंग स्टेज, डफ स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंधीवक कीट का अटैक कौन सी स्टेज में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है 3, आफ्टर फ्लावरिंग स्टेप में। जब गेहूँ, धान की फसल फ्लावरिंग टाइम पर होती है, आफ्टर फ्लावरिंग टाइम पर, तब गंधीवक इंसेक्ट का अटैक
होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इंसेक्टेड बाई खैरिया डिसीज। तो खैरा डिसीज इन्फेस्टेड कौन सी फसल प्रभावित होती है खैरा डिसीज से? व्हीट, राइस, मेज, बाजरा। तो खैरा डिसीज से राइस क्रॉप प्रभावित होते हैं। आपको पता है खैरा डिसीज राइस डिसीज कंसीड बाई जिंक डिफिशेंस। जिंक की कमी से खैरा रोग होता है और यूजली अफोर्ड ऑफ द नर्सरी माई बी अफोर्ड। तो पर 10 से 15 डे ऑफ ट्रांसप्लेशन। तो लीव्स में जो पड़ जाते हैं धब्बे ब्राउन टाइप के, वो खैरा डिसीज के कारण होते हैं। दोस्तों ये थे 10 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर जी के क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।